अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताश चैनल पर आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं एक ज़बरदस्त ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि घर बैठकर आप कैसे अपनी ऑनलाइन एक शॉप बना सकते हैं, एक दुकान बना सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, वो भी किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर। ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत दिलचस्प वीडियो है और एक जेन्युइन काम है, एक ज़बरदस्त काम है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें। ये कंपनी जर्मनी की है जिसको सप्रेडिस शर्ट कहते हैं। ये 2002 में बनाई गई थी। ये कंपनी अपने पार्टनर्स को परमिशन देती है कि आप सप्रेडिस शॉप बना सकते हैं, सप्रेडिस शर्ट में आप सप्रेडिस शॉप बना सकते हैं और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंपनी की अपनी है, शर्ट है, बैग है और मग वगैरह है। आप लोगो बना सकते हैं, उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, अपने शॉप पे अपलोड कर सकते हैं और सेल होगी तो आपको प्रॉफिट में से 20% आपको दिया जाएगा। ये 20% 60% तक जाता है, सेल बढ़ती जाएगी, आपका रैंक आपका लेवल बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये है कि आप जो लोगो बनाएंगे या डिज़ाइन बनाएंगे वो ट्रेंडिंग के मुताबिक हो। मैं ये चीज़ें बता रही, कंपनी कहती है ऐसे कि ट्रेंडिंग के मुताबिक आपने चीज़ें बनानी है, लोगो या कोई फनी चीज़ जो शर्ट पे आप बनाएंगे, अपनी शॉप पे अपलोड करेंगे। जब कस्टमर वो चीज़ विजिट करेंगे ऑनलाइन, जैसे दराज पे, अमेजोन पे चीज़ें सेल होती हैं, इस तरह सप्रेड शर्ट पर पूरी दुनिया में चीज़ें सेल होंगी तो उसमें से प्रॉफिट 20% कंपनी आपको देगी। अच्छा, उसके बाद आप टिपिकल एक ट्रेंडिंग चीज़ें बनाएंगे। जैसे आपने आर्थरल ड्रामा के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे शर्टों पर यहाँ पे काई पीले का जो झंडा था, उसकी जो उसका जो लोगो था यहाँ पे बना हुआ था, ये ट्रेंड था। ये काफ़ी अर्से तक ये चीज़ें चलती रही और बहुत ज़्यादा ये शर्ट्स चली, लोगों ने पसंद किए हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोग बना सकते हो और अपनी शॉप पर अपलोड कर सकते हो। आपने अपने कोई पैसे नहीं लगाने, आपने जस्ट अपना अकाउंट बनाना है और काम स्टार्ट करना है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, आपको मैं बताता हूँ कि आप अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपने गूगल पर जाके लिखना है spreadshirt.com। इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर हमने अब अपना अकाउंट बनाना है। spreadshirt.com लिखने के बाद या spreadshirt मार्केट प्लेस लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमने अपनाना है अपना अकाउंट। अच्छा, अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। जो अक्सर लोग सवालात पूछते हैं कंपनी से, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हमने बनाना है अपना अकाउंट। यहाँ पे ऊपर आप नुक्कड़ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है लॉग इन जॉब्स स्टार्ट सेलिंग। लॉग इन वो लोग करते हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है, लिहाजा हम अपना नया अकाउंट बना रहे हैं। हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट सेलिंग। स्टार्ट सेलिंग के बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो स्प्रेडशीट मार्केट है वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, तो बेहतर है आप दोनों काम कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपनी शॉप कैसे खोल सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, ये भी आप बना सकते हैं और ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपनी शॉप बनाएंगे। ओपन योर ओन शॉप। ओन शॉप के बाद इस तरह का आपको सारा अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए शॉप नेम रखना है, अपने ईमेल अकाउंट और पासवर्ड। चेक लगाने के बाद गेट स्टार्टेड नाउ। जब हम गेट स्टार्टेड करते हैं उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। इस तरह हम एक एक पर क्लिक कर करके ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके हो गया, आप यहाँ पे आ जाएं डायरेक्ट। इसको यहाँ पे सेव कर दें, यहाँ पर आ जाएं डायरेक्ट। यहाँ पर आने के बाद इस पर क्रिएट प्रोडक्ट करना है, हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। सेटअप स्प्रेड शॉप, अपनी दुकान का सेटअप करना है और एक्टिव स्प्रेड शॉप। आप यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करें, पहले सबसे कोई चीज अपलोड करेंगे हम, यहां से वर्ड अपलोड करते हैं। वो मैंने अपनी गैलरी से अपलोड की, आप इसी तरह अपनी गैलरी से अपलोड करेंगे, ठीक है। गूगल से उठा लेंगे कोई
या कहीं से भी डाउनलोड करके आप गैलरी में रख लें दो चार चीजें इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत चीजें, और वो अपलोड कर दें। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, शर्ट है सारी, ये शर्ट पे जो हमारा डिजाइन था ठीक है बर्ड वाला वो आ चुका है शर्ट्स पर। अब हम इस शर्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं, इस लोगो को कम ज्यादा कर सकते हैं, इस डिजाइन को ठीक है, और ये 100 ना हो, ज्यादा ना हो, थोड़ा सा कम रखना होता है हमें। और इसको कर दें अप्लाई, फ्रंट बैक पे भी कर सकते हैं, फ्रंट पर भी काम कर सकते हैं, लिहाजा हम फ्रंट पर कर रहे हैं, बैक पर करना चाहिए आपके पास भी। अप्लाई करते हैं इसको, ये मास्क है, मग बैग सारी चीजें आ चुकी हैं ठीक है। ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आप जिन मजीद काम करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये सारे काम आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ये एक काम आपका हो गया, अब हम करते हैं इसको डन, क्योंकि प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है। जब हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, उस डिजाइन का एक नाम देना होता है ठीक है। मैं अपने डिजाइन का नाम लिख रहा हूँ कोकोमो ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ये चीजें बतानी होती हैं, मतलब के डिटेल से ठीक है, कि ये है क्या और ये डिजाइन क्या है, लोगो क्या है या चीज क्या है, ये जिस तरह चीज के बारे में डिटेल से लिखते हैं इस तरह लिखना होता है। टैग्स आप अपने मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं, आपने लिखना है कि ट्रेंडिंग में क्या चीज है, अगर लोग सर्च करना चाहें तो आ जाए उस पर ठीक है। ये क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं टैग्स ताकि लोग अगर सर्च करना चाहें कोई चीज तो वो सामने वो प्रोडक्ट आ जाए ठीक है। अगर वो बर्ड सर्च करेंगे तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट आपकी शर्ट उनके सामने आ जाएगी। अब हमारा एक काम हो गया ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट्स वाला काम हो गया। अब हमने सेटअप स्प्रेड शॉप, अपनी दुकान की जो है ना शॉप की सेटअप करेंगे, इसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं ठीक है। ये शॉप नेम है जमजम या जमजम आप बोलें जो कुछ बोले ठीक है। अब हम कोई लोगो लगाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल के लिए, जैसे हम लोग लोगो लगाते होते हैं ठीक है, वो लोगो लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं आप एक खूबसूरत सा। आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर रखना चाहते हैं, चेक का कलर चेंज करेंगे आप ठीक है, ये वाला कलर, ये ब्लैक आप रखना चाहें रख सकते हैं ठीक है। और शॉप नेम ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड होगा किस तरह का होगा ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसको अब हम करते हैं सेव, अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। दो काम हो गए, अब हम करने जा रहे हैं तीसरा काम ठीक है, एक्टिव स्प्रेड शॉप। अब हमारी जो दुकान है वो बन चुकी है, अब हम करेंगे इसको एक्टिव यानी ऑनलाइन उसको करेंगे, पहले से ऑनलाइन वो काम नहीं हुआ। यहाँ पे अब हमने देखना है, ये हमारी शॉप है ओपन हो चुकी है ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं ठीक है, ये $21 है, ये $21 और ये प्रोडक्ट है। इसके बाद हम करेंगे इसको ऑनलाइन, ये यहाँ पे लिखा हुआ देख ले देख रहे हैं, दिस शॉप इज नॉट ऑनलाइन येट ठीक है, यानी ये शॉप अभी तक ऑनलाइन नहीं है। लॉन्च करना है इसको, लॉन्च के बाद आपने अपना नाम और उसके बाद आपने मुकम्मल जो आपका एड्रेस है आप वो दे देंगे अपना पता, ताकि कंपनी अगर कोई चीज़ भेजना चाहे आपको तो वो कोई पार्सल या कोई कोरियर ETC तो वो आसानी से आप तक पहुंचे। मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह आपकी शॉप ओपन हो जाएगी। अब हमारी शॉप ओपन हो चुकी है, अब हम करेंगे गेट स्टार्टेड। अगर आप नई चीज अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे स्टार्ट डिजाइन नाउ ठीक है, ये नई चीज है,
आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस पर कुछ, ठीक है। इसके बाद आप जो चाहें, ये हुडी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, जो चाहें जिस पे आप काम करना चाहें, हुडी पे काम करना चाहें या किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना चाहें, वो आपकी मर्जी के मुताबिक आप उस पर काम कर सकते हैं। ये हुडी है, ठीक है। क्या आप हुडी पे वो कोकोमो लगाना चाहते हैं या ये बार लगाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ से आप इसको कर देंगे अपलोड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें। आप मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।